प्योर बासमती की बात की जाए तो एक ही ब्रांड का नाम जो है वो सामने आता है और वो है सर्वेश्वर। और सर्वेश्वर ने अब एक और अपना आउटलेट जो है वो ओपन किया है। इस वक्त हमारे साथ उन्हीं के ऑनर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत मुबारकबाद है क्योंकि जो आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है इतने सालों का वो अभी भी चल रहा है। आज आउटलेट आपने एक और खोला है, उसके बारे में कुछ ब्रीफ बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इस एरिया में ये पहला आउटलेट है। यहाँ पर लोगों की, हमारे कस्टमर्स की बहुत डिमांड थी कि हमें बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है सर्वेश्वर के ब्रांड का राइस प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो उनको देखते हुए हमने यहाँ पर आज ये एक स्टोर लॉन्च किया है और इसके तहत से हम इस एरिया में लोगों के घर घर तक हम बेस्ट क्वालिटी जो हमारे प्रोडक्ट्स है, जो कि हम यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट में दे रहे हैं, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हम कहते हैं कि हमारे इस एरिया के लोग जो देशवासी हैं वो भी खाएं। और ये क्वालिटी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, जिसमें कि हम सारे सर्टिफिकेशंस जैसे BRC है, कोशर है या कास्को कंप्लायंस है, वो सारे इसमें हमने मापदंड रखे हुए हैं। खुशी भी मिलती है सर क्योंकि हमारे जम्मू का ही ब्रांड है और बाहर देशों में भी कहीं ना कहीं सप्लाई होती है। किस तरह से आपने ये पूरा मेंटेन करके रखा होता है? बस ये है कि एक पहले मैं स्पोर्ट्समैन था, तो मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करता था बैडमिंटन में। उसी स्पिरिट से मैंने बिज़नेस को शुरू किया और हमारा एक ही सोच थी कि जो हमारे एंसेस्टर्स का, बुजुर्गों का, ये 130 साल पुरानी कंपनी है और मैं फोर्थ जनरेशन में हूँ, मैं इस कंपनी का नाम और अपने देश का नाम, अपने स्टेट का नाम एक वर्ल्ड लेवल पे ले जाऊँ। और आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट मोर देन 25 कंट्रीज़ में है, जो कि हमारे स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी बात करें जम्मू की बात की जाए तो ये आपका अगर आउटलेट की बात की जाए तो कितने नंबर हो गए जम्मू में अभी तक आपके आउटलेट के? हमारे J&K में ये 13वां स्टोर है, 13 स्टोर है। और अब मैं इसमें ये भी सोच रहा हूँ कि हम हाई एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जो कि कोविड के बाद लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है लाइफ स्टाइल डिजीज को लेकर, तो हम कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को जो आजकल की डिजीज हैं, जो अवेयरनेस है हेल्थ को लेकर, जैसे किसी को इसके ऊपर हार्ट को लेकर है या हेल्थ को लेकर है, उसको लेकर हम एक हमारी R&D डेवलपमेंट सेंटर है, उसके तहत हमारे MOU हैं कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ। हम वो प्रोडक्ट शीघ्र ही जम्मू के अपने जितने भी कंज्यूमर हैं उनके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि प्योर बासमती के साथ साथ जो चावल आ रहे हैं आपके, उसके साथ और भी वैरायटीज आ रही हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हम अपने जो J&K के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनके लिए वही क्वालिटी जो हम बाहर भेजते हैं उसी मापदंड पे हम जो हाई एंड कई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं वो हम लेकर आए। यहाँ पर अगर बात की जाए टाइमिंग की, तो टाइमिंग क्या रहेगा यहाँ पर ओपनिंग की? जो लोग आना चाहते हैं, यहाँ से लेना चाहते हैं चावलों को, तो क्या टाइमिंग है यहाँ पर? टाइमिंग जो नॉर्मल टाइमिंग रहता है कि हमारा शोरूम सुबह 9:30 खुलेगा और शाम को 7:30 तक हम रखेंगे, 7:30-8 बजे तक खुलेगा। प्योर बासमती की जो वैरायटी रहती है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल होगी? पूरी रेंज यहाँ पर अवेलेबल होगी। इवन कि हमने जो इकोनॉमिकल रेंज है हमारी, जो इकोनॉमिकल रेंज में हमारे शरबती राइस हैं या हमारे मोटा चावल है या परमल चावल हैं, वो भी जो बेस्ट क्वालिटी के हैं वो भी हमने रखे हैं। और हमारी एक सोच है कि इसमें हम ऑर्गेनिक की रेंज भी रखने जाएंगे, जिससे कि जो बिल्कुल जीरो पेस्टिसाइड्स को लेकर जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई है, वो प्रोडक्ट हम अपने लोगों को खिलाए बड़े कम प्रीमियम के ऊपर। ये होलसेल है या रिटेल में भी जो लोग हैं वो आपसे ले सकते हैं? ये बेसिकली हमने ये स्टोर जो है रिटेल के लिए खोला है। okay. पर हमारा जो प्राइसिंग रहेगी वो होलसेल प्राइसिंग पर हम कंज्यूमर को यहाँ माल उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो भी आएगा वो निराश होकर नहीं? बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि जो भी आएगा वो यहाँ से खुश होकर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह का एक 100 सालों से ज़्यादा की बात की जाए तो सर्वेश्वर ने जो ट्रस्ट बिल्ड करके रखा है वो आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये 13th इनका आउटलेट है, स्टोर है जो खोला गया है, और आगे भी इस तरह की ये आउटलेट खोलते रहेंगे जनता तक। जो इनका सिर्फ एक ही मकसद है, जो इनके एंसेस्टर्स की तरफ से इनको जो एक चीज़ें जो इनको मुहैया कराई गई है या इनको जो जिस तरह की इनकी परवरिश हुई है, वो ये चाहते हैं कि आम जनता तक हम पूरे तरीके से प्योर बासमती पहुँचाना चाहते हैं और वो लोगों तक पहुँचाए, ना कि वैसी जो चावल आजकल आप मार्केट में देखते हैं कि कहीं ना कहीं मिले जुले होते हैं, उनका बॉडी पर भी कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है। लेकिन इनके पास आएंगे तो प्योर बासमती जो है वो आप सर्वेश्वर से लेकर जाएंगे।